सुलेखा, आप ही बताइए, जब सारे मेहमान और रिश्तेदार आएंगे तो क्या बोलेंगे कि इस घर की बीनी पूजा में इसलिए नहीं बैठ सकती क्योंकि उसे निर्जला व्रत नहीं रखा गया, इसीलिए आज पूजा होगी ही नहीं। लेकिन मासा, मैंने सुबह से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया और ना पानी पिया। मारे को तो तीखी चीजें पसंद है, चटर पटर, मटरी कचौरी, ये सब ना, ये मीठे फीके बिस्किट। मैंने तुमसे कहा ना बुलबुल कि पूजा नहीं होगी तो पूजा नहीं होगी। पूजा होगी नानी। भाई जी, क्यों, ये क्या तरीका है? मामी और पोपसी ही पूजा करेंगे क्योंकि मामी ने व्रत नहीं तोड़ा। ये बिस्किट मामी ने नहीं, भाई जी ने खाए हैं। भाई जी, व्योम सही बोल रहा है, ये बिस्किट आपने खाए? मैं वो बड़े होने में और खाने में फर्क है। सच बता, बिस्कुट किसने खाए? सच बता, तूने बिस्कुट खाए वो प्रॉब्लम ना है, प्रॉब्लम ये है कि बुलबुल पे इल्जाम लग रहा है कि बिस्कुट उसने खाए। मैंने माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई। मैंने आज तक इस घर में किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, सच। लेकिन वो बिस्किट मुझे बहुत पसंद था तो मैंने ना खा लिया। मैं वीरसा के कमरे में गई और वहां में मैंने बिस्कुट देखा और मारे मन में लालच आ गया। भाई जी, मेरे आदमी का है वो आपके कमरे में है, मैं आके देती हूँ ना। हाँ। मैं कह लिया, मुझे माफ कर दो मासा। कोई बात नहीं भाई जी, हो जाता है ऐसा, अपनी मनपसंद की चीज देखकर आ जाता है मुंह में पानी।